हेलो वेलकम बैक वीडियो हाउ इज एवरीवन डूइंग दिस इज समथिंग बिग इट्स टाइम फॉर पाकिस्तान वर्सेज इंडिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी फोर एक्सक्लूसिव फ्राम काउंटी न्यू यॉर्क क्रिकेट स्टेडियम फैंस आ रहे हैं जा रहे हैं बताइएगा फिर कल कौन विन करने जा रहा है इंडिया और या फिर पाकिस्तान जो यूएसए से हार गया भाई हल्का मत लेना आई नो आप लोग डिसअपॉइंटेड हैं लेकिन पाकिस्तान मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है आपको भी पता है न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम का भी आपको विजिट करवाएंगे ओवरऑल जो यहाँ का पार्क है जो सूरत हाल है वो सारा आपको अपडेट करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइन को प्रेस कर लें जी बिल्कुल फाइनली इसी वीडियो का मैं आपको कह रहा था एक्सक्लूसिव आपको वहां से अपडेट करेंगे सामने आपको न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम भी दिख रहा होगा लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को बैक टू बैक हमने आपके साथ वीडियो शेयर की और कमेंट जरूर कीजिएगा पाकिस्तान या इंडिया कल किस की सच होती है, होते रहते हैं। और मैंने आपको टी ट्वेंटी बताया था घंटे ले में धूप होती तो अगले घंटे काले बादल आ जाते हैं और मैच के दौरान बताया जा रहा है कि टू आवर्स तक बारिश पॉसिबल है ये फोरकास्ट में बताया जा रहा है मे बी कुछ ओवर्स कम किए जाए लेकिन कुछ पता नहीं लगता वेदर का लेट्स वेट फॉर द मैच आपको पता होगा दैट थिंग इन माइंड आने वाली टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ट्वेंटी में इंडिया एंड दोनों को होस्ट है वहां पे हो रहा है तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी करें अफगानिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने न्यूजीलैंड को भी वही हरा दिया उससे पहले युगान को भी हराया अफगानिस्तान अब अफगानिस्तान रही नहीं हर इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वहां से एक्सक्लूसिव अपडेट करते हैं सिक्योरिटी वेदर सारी चीजें आपके साथ शेयर कर देते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज अपडेट कर दू पूरी देख लीजिएगा इसलिए जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की जिसमें फैन पार्क का मैंने जिक्र किया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सारी प्रिपरेश हो गई बड़ी बड़ी सिक्सटी बाई थर्टी की स्क्रीन लगी हैं एंड इस तरह से न्यू डेही में भी स्क्रीनिंग की जा रही है लेकिन वो इंडोर है तो इंडिया एंड पाकिस्तान के फैन उसमें एक चीज अपडेट कर लें कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मेरे ख्याल में जनरल इंक्लोजर के टिकट फ्री कर दिए गए हैं वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा बाकी के 500 से लेकर सेवन फिफ्टी एन वन थाउजेंड के टिकट आप बाय कर सकते हैं इंडिया का जो न्यू डेली में इंडोर उन्होंने फैन पार्क बनाया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में फोर थर्टी एंट्री है जिन्होंने टिकट बुक नहीं किया वो बुक माई शो डॉट कॉम पे जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं पाकिस्तान वाले बुक बुक मी डॉट पी के पे कर सकते हैं इंडिया की साइड से सेलिब्रिटीज में परमेश वर्मा रफ्तार एंड जाकिर खान एक और दो सेलिब्रिटीज हैं उनका बताया हुआ है पाकिस्तान का मैंने अपडेट कर दिया था सिक्योरिटी का पहले मैं आपको बता देता हूँ सामने आपको दिख रहा होगा भाई साइकिल पे भी सिक्योरिटी तो बसेस पे गाड़ियों पे इवन हेलीकॉप्टर में आगे आपको दिखाता हूँ इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि जो आज पाकिस्तान और इंडिया की टीमें प्रैक्टिस करने आई थी मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपने प्रैक्टिस सेशन कैंसिल कर दिया था वो लेट आई थी समथिंग लाइक दैट कोई अपडेट है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ का जब सेशन हो रहा था तो मीडिया को भी अलाउ नहीं कर रहा था कि आप कोई पिक्चर्स वीडियो वगैरह ना बनाएं बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी सिर्फ जब फैंस आते हैं तो उनको एंट्री करवा दी जाती है इस तरह किसी को भी अलाउ नहीं है भाई बड़ी टाइट सिक्योरिटी है लेकिन यह है कि बाहर साइड पे आपको पार्क एंड फैंस जो वहां के लोग हैं आपको पार्क में ओपन चलता फिरता अपना एंजॉयमेंट करता हुआ दिखाई देंगे लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के दौरान मे बी ऐसा पॉसिबल ना लेट्स सी देख लेते हैं सिर्फ ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ रहे थे बाकी जो स्टेडियम की सूरत हाल है उसकी पिचेस का तो आप पूछे ही ना भाई खड्डे हैं खड्डे बॉलर्स के मज़े हैं बॉलर इन्जॉय करने वाले हैं और ख़ास तौर पर फिर पाकिस्तानी बॉलर्स भाई मैं क्या ही कहूँ कल क्या मैच होने वाला है लेट्स सी देख लेते हैं क्या टारगेट बनते हैं हाईएस्ट टोटल अभी तक बना नहीं है वार्म अप मैच में 183 बन गया था आई डोंट नो कैसे बना खैर कल पाकिस्तान की लीथल बॉलिंग होने वाली है इंडिया कैसे फेस करेगा या भाई इंडिया की बैटिंग को भी आप हल्का मत लें जिस तरह से इंडिया खेलती आ रही है वो फिर खड्डों पे भी बड़े बड़े टारगेट बना देती है खैर पाकिस्तान को गुस्सा चढ़ा हुआ है यूएसए से हारे अनफॉर्चुनेटली तो उसका गुस्सा सारा कल इंडिया के मैच पे निकालेंगे या तो बड़े बड़े टारगेट बना देगा या तो फिफ्टी के अंदर ही आउट हो जाएगा अगर पहले बैटिंग की आई मीन जिस तरह से न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम की पिच है ऑब्वियसली तीन महीनों में स्टेडियम फिर ऐसा ही बनना है ठीक है आप बड़ी तारीफें कर लें कि भाई तीन महीनों में छह महीनों में स्टेडियम बना दिया लेकिन सिर्फ स्टेडियम बनाने नहीं होता तैयार पिचेस एड लेट से ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के वहां पे तैयार करके तो ड्रॉप इन पिचेस इंस्टॉल कर दी हर चीजों को देखना पड़ता है

टर्न आप देखें या तो इतनी उछल जाती थी हर बॉल तकरीबन बाउंस कर रही थी इन स्विंग तो आउट स्विंग कुछ पता नहीं समझ नहीं आ रही थी पिच की काली मिट्टी की पिचेस बनाई हुई हैं खैर कल देख लेते हैं कैसा मैच जाता है ये पार्क हुआ करता था यहाँ के जो लोग हैं जो रेजिडेंशियल एरिया है लोगों ने पॉइंट भी रेस किया कि यहाँ पर कोई क्रिकेट स्टेडियम ना बनाए कोई एहतजाज टाइप भी हुआ था थोड़ा बहुत लेकिन फिर वो चीज़ों पर ओवरकम करके यहाँ पे स्टेडियम बना दिया टेम्प्रोरी तौर पर फिर वो उन्होंने मान लिया कि चले टेम्प्रेरी स्टेडियम है कुछ टाइम के लिए वर्ल्ड कप होगा फैंस आएंगे ये माहौल वगैरह जो ना फिर सारा इन्वायरमेंट भी खराब करते हैं ये चीज़ें है। लेकिन खैर वो यू है हर चीज़ पर बड़ी स्ट्रिकनेस है तो वो ख्याल रखते हैं लोग यहाँ इस एरिया में जो लोग रहते हैं हाइजन ओवर पार्क में वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे स्टेडियम बने मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई ये क्रिकेट प्लेंग नेशन नहीं है आईसीसी ने पता नहीं कैसे को होस्ट बना दी वेस्ट इंडीज में ही सारा करा देते लेकिन ऑन द अदर हैंड बिल्कुल क्रिकेट को फरोग मिलना चाहिए एसोसिएट टीमें अब वो एसोसिएट टीमें नहीं रही यूएसए में आप देखिए सारे पाकिस्तान इंडियन खेल रहे हैं अब तो वो कोरियन एंडरसन न्यूजीलैंड के भी चले गए हैं तो भाई सारे बस यूएसए शिफ्ट हो गए यूएसए से खेल रहे हैं इसीलिए उनकी टीम टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है वो नाम पे उसको हल्का मत लें अंदर प्लेयर्स को देखें इंडिया के अंडर 19 के क्रिकेटर्स उसमें खेल रहे हैं खैर ठीक है समझ आता है कि आईसीसी पैसे बटो रहा है हज़ारों डॉलरों में टिकट हैं सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया मैच के टिकट्स की प्राइस आप जाके देख लें लेकिन वो क्रिकेट को फैला भी रहा है सारी दुनिया में जिस तरह फुटबॉल आप देखें टू प्लस कंट्रीज खेल रही हैं सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट है फुटबॉल लेकिन अब इस टी वर्ल्ड कप के बाद जो यहाँ के गोरे हैं वो भी कहेंगे कि भाई ये कौन लोग आए हैं ये कौन सा स्पोर्ट आ गया इवन यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि पता भी नहीं है कि क्रिकेट भी कोई स्पोर्ट है वो जानते भी नहीं है जो यहाँ पे क्रिकेटर्स जाते हैं नॉर्मल जैसे स्ट्रीट में फिर रहे हो इधर उधर यहाँ पे बेस बॉल बास्केटबॉल हो गया रगबी होगी रगबी बहुत ज़्यादा खेली जाती है तो so, खैर अब ये क्रिकेट आई है यहाँ पे यू एस ए अखबारों में आएगी जो जिस तरह से पाकिस्तान को हराया है ये सारी हेडलाइंस बनेंगी लोग फिर ऐसा ऐसा इंटरेस्ट लेते हैं आने वाले चार से पाँच साल में आपको फिर ये एसोसिएट टीमें टॉप एट टॉप टेन में खेलता हुआ दिखाई देंगी और यहाँ के लोग जो हैं वो फिर इंटरेस्ट लेंगे ऐसे स्पोर्ट फिर आगे बढ़ता है जो यहाँ की आने वाली नेशन है वो फिर क्रिकेट में इं भी इंटरेस्ट लेते हैं तो प्योर आपको यू एस ए की भी वहाँ के रहने वाले वहाँ पे जो पैदा होते हैं वो भी आपको यू की टीम में दिखाई देंगे आने वाले टाइम में इस तरह से क्रिकेट को और स्पोर्ट को फरोग मिलती है खैर एक ओवरऑल टूर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ये हाइजन और पार्क का नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम का और जो यहाँ बाहर साइड का इन्वायरमेंट है भाई फैंस बड़े धड़ाधड़ कल आने वाले हैं पाकिस्तान एंड इंडिया के और आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में यू एस में यहाँ पर जो है ज़्यादातर पाकिस्तानी एंड इंडियन जाते हैं तो इंडिया के बहुत ज़्यादा फैंस हैं भाई आपने पिछले मैच में देखा पाकिस्तान इंडिया और आयरलैंड का जो हुआ उसमें आपने देखा कितना क्राउड आया हुआ था पूरे जितने भी स्टैंड थे वो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे थे एक और चीज़ बड़ी हैरान हैरानकुन थी कि नेपाल के मैच में खैर वो तो यहाँ पे नहीं था लेकिन उसमें कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ था नेपाल के लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ तो यह है कि ट्रैवल भी करके जाते हैं पाकिस्तान भी काफ़ी गए हैं जर्नलिस्ट भी गए हैं बारह जून तक यहाँ पे मैचेज होने हैं और वेस्ट इस साइड पर फिर वो सेमीफाइनल फाइनल और उससे पहले जो बाकी के मैचेस हैं वो उस साइड पर हो जाएंगे इसके अलावा पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया जो थोड़ा बहुत अपडेट किया आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को एंड इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फिर कल याद आया कि भाई भाई हमारे होटल जो हैं वो तो स्टेडियम से दूर हैं और बहुत से पॉइंट रेस किए सो मसले मसाल इस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में बहुत से मिले हमें ऑब्वियसली तीन से चार मंथ्स में स्टेडियम रेडी होना जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप यहाँ पर अरेंज करवाना तो फिर ये मसले तो आने ही हैं सबसे बड़े मसले फिर इसी मैनेजमेंट के ही आते हैं सो so, पाकिस्तान फिर बाद में जागी इंडिया ने अच्छा होमवर्क किया उनकी डेलीगेशन टीम पहले से गई उन्होंने अपने मैचेस सारे न्यूयॉर्क के स्टेडियम में करवाए और वार्म अप मैचेस भी एक करवा दिया स्टेडियम सही से रेडी भी नहीं था फिर भी वार्म अप मैचेस होस्ट करवा दिया तो भाई उनको क्रेडिट जाता है उन्होंने होमवर्क किया इसीलिए उनके मैचेज़ वहाँ पर अरेंज हुए और ये कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं है क्रिकेट खेलनी है तो फिर सीधा जाके आप खेलें और बताएं कि हम जीत सकते हैं यहाँ हारना तो बस हारे लेकिन फाइट करके बताएं ऐसे ना हारे ऐसे ना खेलें जिस तरह यू के अगेंस्ट खेलें बाकी ये है कि हार जीत होती रहती है है और अब आपके एक्सक्यूजेज बनते भी नहीं है और ये जाके वहाँ पे प्राइवेट पार्टीज में मीटअप्स करवा रहे हैं तो भाई टेंडर्स जारी करे वो एक तो कैंसिल हुआ था फिर पोस्टपोन हो गया खैर इसके बाद आपके कोई एक्सक्यूजेज नहीं बनते आपका होटल भी स्टेडियम के करीब हो गया और आपने थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस भी कर ली वैसे तो मैं समझता हूँ ये सारा कसूर पीसीबी का है पीसीबी को पहले से इतनी मैनेजमेंट तो पता नहीं क्या क्या टीमें है वहाँ पे भेजी हुई इतने लोग गए हुए हैं लेकिन होमवर्क नहीं किया पता नहीं कोर्ट तो फलाना तो डिमकाना आपने देखा होगा कितनी बड़ी लिस्ट जारी की सब यूएसए गए हुए हैं बस मजे करने जाते हैं कोई क्रिकेट पे फोकस नहीं है पहले से ही होमवर्क होना चाहिए था खैर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को एंड कर लेते हैं एक करेक्शन करके पिछली वीडियो में मैंने एट थर्टी पी कहा सेवन थर्टी पी मैच शुरू होगा अकॉर्डिंग टू तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंडिया के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लें आप आगे पीछे मिलते अगली वीडियो में सोशल मीडिया पर आगे फॉलो कर लें तब तक के लिए टेक केयर हाफिज़